हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, 4 मार्च है आज। बात करते हैं कैसा एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन किए कितने? मेरा 72 अटेम्प्ट हुआ है। कितने? 73 81। मेरा 85 क्वेश्चन हुआ है। क्या क्वेश्चन था, करंट से क्या था अभी हाल फिलहाल? करंट से आया था अभी, जो थलसेना के अध्यक्ष बने वो आया था, और एक सूचकांक। थलसेना अध्यक्ष कौन है ये, सूचकांक का क्या था? एक सूचकांक आया था, और पॉलिटी से क्वेश्चन थे जिसमें 17 में अनुच्छेद का पूछा था, और आर्टिकल 19 पूछा हुआ था जिसमें संविधान पूछ लिया। हाँ, पहले दिन नहीं पूछा तीनों शिफ्ट में, लेकिन अभी इसमें 4 क्वेश्चन थे उसमें संविधान के, जैसे आर्टिकल 17 के बारे में पूछा था। क्या पूछा था आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 के अंदर क्या क्या आता है, और 19 में पूछा हुआ था वाला पूछा था, और एक ये पूछा था किसी से भेदभाव के नहीं करना है आर्टिकल। भेदभाव ये किसमें आता है, किस आर्टिकल में ये पूछा था? हिस्ट्री से मगध की है, उसने कैपिटल पूछा था और कहाँ पे वो ट्रांसफर हुआ था, उसका राजधानी कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, ठीक ठाक कर लिए गए थे। हाँ, कि पहले कौन सा था, चौथी शताब्दी में मगध का, फिर उसके बाद दोबारा पूछ लिया कि बाद में कौन सा था, ये 2 क्वेश्चन एक साथ बने थे उसमें। 4 BC में चेंज हो गया था मगध का कैपिटल, तो 4 BC से पहले कुछ और था, 4 BC के बाद कुछ और था, तो वैसा क्वेश्चन आया था एक ही में से क्वेश्चन। और क्या था करंट? साइंस के क्वेश्चन थे। क्या साइंस? विटामिन से पूछा था उसने। क्या क्वेश्चन था विटामिन? विटामिन के क्वेश्चन में वो विटामिन ए के डी करके दिया हुआ था, उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि उससे कौन सा मतलब रोग होता है। बारे में पूछा था कि शुष्क किस विटामिन से उत्पन्न हो, कमी से होता है। अच्छा, ये आया था। जियोग्राफी, नदियों पहाड़, नदियों के बारे में पूछा गया कि हमारे वेद किस नदी के किनारे लिखे गए थे, बस ये क्वेश्चन आया था। वैदिक सभ्यता हमारी किस नदी के किनारे, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे लिखी गई थी, लिखी गई थी क्या था? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी, स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे स्थित थी। और क्या क्वेश्चन था? कुछ वो पड़ोसी देश से भी आया, जैसे कल आया क्वेश्चन नहीं आया था, वही क्वेश्चन नहीं आया पड़ोसी देश से। क्वेश्चन थे जो 6 बिलियन के बारे में आया था, जो आपके करंट के क्वेश्चन थे वो थे, वो जो करंट के क्वेश्चन थे वो अप्रैल के थे, जो जुलाई का अप्रैल था, मई का अपना था, उससे 2-3 क्वेश्चन आए मेरे, मतलब पिछले साल 2019 के। इस बार कोई नहीं, इस बार आज एक क्वेश्चन आया था जो आपके थल सेना अध्यक्ष थे, जो अभी कौन बने हुए हैं अभी, दिसंबर में बनाए, उनका क्वेश्चन आया था। हाँ, 31 दिसंबर को उन्होंने चार्ज किया। क्या था वो क्वेश्चन? 6 बिलियन आया था कि जो वर्ल्ड बैंक था अपना, तो वर्ल्ड बैंक ने जो क्वेश्चन वो दिया था, वो 6 बिलियन जो ऋण दिया था वो किसके लिए दिया था, बांग्लादेश किया था, इंडिया के लिए था, पाकिस्तान के लिए था, श्रीलंका के लिए था, किसके लिए दिया था, मंजूरी की थी। अच्छा, 6 बिलियन ये वर्ल्ड बैंक था या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था ना, IMF से। हाँ, वो पाकिस्तान का मामला था। अर्थव्यवस्था से और कुछ आया है, जैसे बजट वगैरह कुछ आया है इस तरह के? बजट से किस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। मेन चीज जो करंट थी वो बुक राइटर वगैरह एक साल से थी, एक बुक राइटर कुछ नहीं था। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग तो बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मेरा बैंक का भी रीजनिंग था, तो इसलिए मेरा तो बहुत सिंपल था, मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया है वो रीजनिंग। तो 2018 में जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा इजी है। 2019 के अकॉर्डिंग जो 2018 का पेपर था, नहीं वो जो 19 जो हुआ था वो सिंपल था। सीरीज के दो क्या क्या क्वेश्चन थे, जैसे सीरीज वाले क्या थे, क्या थे क्वेश्चन? क्वेश्चन सीरीज में अकाउंट नंबर तक ग्रेट याद नहीं है मुझे, जो पुराना है। उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक पुत्र है उसकी लड़की, उसकी मतलब बुआ क्या लगती है, बहुत सारा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था वो। अल्फाबेट था उस सीरीज था, उसमें दिया हुआ था उसने। वो कैसा था? वो रिवर्स में था, 2 वर्ड्स थे, एक सेंटेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स उसको रिवर्स कर दिया, फिर स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स भी आगे का रिवर्स कर दिया आपस में, फिर रिवर्स कर दिया। उसके बाद फिर पेपर कटिंग से आया हुआ था एक क्वेश्चन। हाँ, क्या था वो पेपर कटिंग, आप किस तरह का? पेपर कटिंग से क्वेश्चन, एक ट्रेंगल बनाया हुआ था, 2 ट्रेंगल जिसको अपोजिट किया हुआ था, उसके उसने मोड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था उसका, ये आकृति से क्वेश्चन था उसका, जिसमें उसने निहित है कि नहीं, इसमें ये आकृति इसमें है कि नहीं, उसने आकृति है कि नहीं, क्वेश्चन था। क्या आकृति थी उसमें? आकृति सिंपल था, ये था कि एक वो बनाया था आयत रेक्टेंगल, और उसमें एक पॉइंट, 2 लाइन जो है उसने एक बनाया हुआ था, इस तरह का आकृति थी सिंपल से। उसने त्रिभुज के बारे में पूछा हुआ था कितने काउंटिंग है, सिंपल था, काउंटिंग डिफिकल्ट नहीं था। वेन डायग्राम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था वो वेन डायग्राम में? आपका त्रिभुज दिया हुआ था, आयत दिया हुआ था, सर्कल दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, उसमें से उन्होंने उसको सपोज कर एक चीज का पूछा था कि ये इसमें है कि नहीं, जो त्रिभुज में चारों चीजें दी थी उसमें ये पूछा था कि ये इसमें से कलाकार कौन सा नहीं है,
कुछ किताबें हैं, कुछ कार्य किताबें हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। और एक था, मैं आपको बता देना एग्जांपल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ए बी हैं और उसमें ये था कि 20% आबादी के एक एक बच्चे हैं, और जैसे 100% जनरेशन वो आबादी है किसी शहर की, उसमें से 20% के एक एक बच्चे हैं, शेष का बचा हुआ दो दो बच्चे हैं, 40% शेष बचा हुआ है उसके दो दो बच्चे हैं, फिर जो पूरे का है उसमें उसके कितना बचा हुआ था, हाँ वो डीआई दिया हुआ था, उसमें दो क्वेश्चन डीआई के आए हुए थे। क्या था वो डीआई में, वही आई, हाँ एवरेज पूछा था, परसेंटेज पूछा था सिटी का, कितने लोग हैं उसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स बताइएगा, मैथमेटिक्स में तो इजी टू मॉडरेट रहा था, इजी टू मॉडरेट, हाँ उसमें मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री कम से कम दो तीन क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से दो तीन, हाँ उसके बाद क्या था उसमें, ट्रिग्नोमेट्री से उसने एंगल पूछा हुआ था, जैसे साइन थीटा माइनस सेक थीटा अपन टेन थीटा इक्वल एक्स अपन वाई, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस तरह का ज्योमेट्री वाला क्या था, त्रिभुज का क्वेश्चन आया हुआ था, इसके बाद एक ट्रायंगल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, प्रॉफिट लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया क्या था, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था कि कुछ तीन कुर्सियां हैं और नौ मेज हैं, उनका जो मूल्य है 12,000 और 15,400 रुपए का था, उनका एक मेज का था 10% निकालना था, उसका था इसका 12% था, अब उन्होंने कुल उसका जो था वो तीन कुर्सियों का मूल पूछा था उसमें, तीन कुर्सियों का मूल क्या, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एक वर्क एंड टाइम से क्या था, क्या था उसमें, स्पीड पूछा हुआ था, बोट का स्पीड था, बोट का, बोट इस टाइम में आपका एफिशिएंसी से क्वेश्चन था, ए ने इतनी दिन में काम किया और बी सी का इतना परसेंट काम किया है, उसका एफिशिएंसी इतनी, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था वर्क एंड टाइम में, एवरेज से इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, एवरेज से क्वेश्चन जो आया हुआ था वो एवरेज में 7-8 का एवरेज दिया हुआ था, उसने तीन का एवरेज पूछा, फिर अगले का एवरेज निकालने के लिए बताया, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, 12 क्वेश्चन का था, जैसे 12 चीजों का बिल्कुल वैसा ही एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ था, अच्छा कुछ टकरा गया पिछले दिन और जैसा कल जैसा, जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैथ में 3-4-5-6-7 क्वेश्चन मिल गए हैं, उस तरह से डाटा चेंज हुआ है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सेम है, एक तरह सीआई का आया था क्वेश्चन, सीआई का था, क्या था वो सीआई वाला, सीआई का क्वेश्चन था वो, हाँ क्वेश्चन क्या था, 2 साल 5/8 वर्ष का वो क्वेश्चन था, उसमें उनको बताना था कि इसका सीआई कितना बनेगा, सीआई 12,000 का 2 सही 3/8 और वो वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना उसका ब्याज था, अच्छा इंग्लिश कैसा रहा, इंग्लिश तो इजी रहा था, इजी था उसमें जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो किसके पूछे याद है, एक वर्ड था रिवर, R E V E R E ये था, इसके बाद एक ब्रॉड का पूछा हुआ था एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे, क्लोज टेस्ट जो आता हुआ है एक आया था, किस टॉपिक पे था वो टॉपिक, थोड़ा शॉर्ट ही था, क्लोज सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आए हुए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, पैराग्राफ आया था उसको फिल करने के लिए, वो भी काफी इजी था, आप आराम से बना सकते हैं उसको समझ के, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे लेकिन काफी इजी था वो। तो ऐसे से CGL के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 4 मार्च को आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला है, आप लगातार देखते रहो ताकि आपको पता चले कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। और एक चीज़ खास बात है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो सेम पैटर्न के आज क्वेश्चन आए हैं जो पैटर्न कल था, ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में बात करो करंट अफेयर्स की, तो हमारी एक बुक है 2019 की, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो, वो अमेजन पे अवेलेबल है, PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसके अलावा 2020 का जनवरी फरवरी का भी PDF अवेलेबल है करंट अफेयर्स का। तो अब दूसरे और तीसरे शिफ्ट में भी मिलेंगे आपसे और बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सन्मय प्रकाश हूँ, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए, आगरा से हम लोग ये कवर कर रहे हैं, सिकंदरा इलाका है, RKGM कॉलेज है, और कैमरा संभाल रहे हैं आमिर।